नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और जिन साथियों का सीटी ग्रुप सी का हो या ग्रुप डी का हो, क्वालिफाई हो चुका है, वो युवा इस वीडियो को जरूर देखिए। क्यों हम कह रहे हैं कि लोहा गर्म है, आपको अब वार करने की जरूरत है। क्यों हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा। हो सकता है मेरे कुछ साथियों को मेरी बातें बुरी लगें, लेकिन बात पूरी सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि बात तो सही कही जा रही है। साथियों, जब जब भर्तियों का प्रोसेस रुकता है या कोई रिजल्ट आता है, तो एक या दो नंबर से जो कैंडिडेट रहता है उसके दिल का दर्द वही बता सकता है। इतना डिमोटिवेट होता है वो कैंडिडेट, और ऐसे समय में जब उसको सरकार के द्वारा जो भर्तियों में कमियां हैं वो गिनाई जाएं, या उसको खुद को भी कुछ तो पता रहता है साथियों, लेकिन बार बार उनका बखान किया जाए, तो उसका दुख और बढ़ता है। क्या उस दुख बढ़ने से, वो दुख उसका जायज हो सकता है, लेकिन क्या उस दुख को बढ़ने से उसका भविष्य सुधरने वाला है? उसका भविष्य कैसे सुधर सकता है, क्या उसको करना चाहिए? साथियों, जिन साथियों का टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई भार हुआ है, या फिर जिनके मैच जो कट ऑफ गई उससे ज्यादा नंबर है और फिर वो भार है, उनका विरोध करना या फिर सवाल उठाना जायज है। लेकिन जिसका कट ऑफ से नंबर कम है, उसका वो ये सोच रहा है कि किसी तरह ऐसा हो जाता तो ऐसा तेरा सिलेक्शन हो जाता, अगर ये हो जाता तो तेरा सिलेक्शन हो जाता, ये नहीं हुआ है इस कारण से तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। साथियों, आपको बता दें कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी पार्टी, हम किसी पार्टी को सही नहीं बता रहे हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, ये आपको यूज करते हैं। सही बोल रहा हूं साथियों में। उससे पहले गुड न्यूज आपको बता दें, नेक्स्ट सीईटी का जो साथियों सरकार का प्लान है, वो आपको कुछ मोटिवेट भी कर सकता है और आपको खुश भी कर सकता है। आपको पता है साथियों, कुर्सी किसी को भी बुरी नहीं लगती। अब जो सरकार है, कौन चाहेगा कि वो सरकार रिपीट ना हो? यानी कि हम बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं, विरोध वालों की नहीं कर रहे। यानी कि बीजेपी वाला ऐसा कौन कैंडिडेट नहीं चाहेगा कि उसकी सरकार रिपीट हो, तो वो कोशिश तो करेंगे। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को साथियों, हम आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं, किसको नहीं करते, वो आपका विवेक है, उस बात पर मत जाइए। आपको जॉब कैसे मिल सकती है, उस मुद्दे पर जाइएगा। अब साथियों, जो नेक्स्ट सीईटी का प्लान है, आपको पता है इस सीईटी में किस किस बात का विरोध हुआ है, उस विरोध को दूर कर, क्योंकि अब हरियाणा सरकार को भी इस बात का बखूबी पता चल चुका है कि भर्तियों को, अगर भर्तियों वाले मैटर को दरकिनार किया जाएगा तो सही नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव है, इसको ज्यादा सीरियस बीजेपी वाले नहीं ले रहे, लेकिन क्योंकि मोदी जी के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रही। लेकिन जो साथियों, जो विधानसभा का चुनाव है, उसको बहुत ही ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है, और उसी की तैयारियां अभी से शुरू करने का प्लान सीईटी के तहत हरियाणा सरकार ने बनाना शुरू कर दिया है। अब उनको पता है कि लोकसभा चुनाव में अगर रिजल्ट कोई कुछ भी रहो, कि विधानसभा चुनाव में अगर उनको वापस आना है तो युवाओं को खुश करना होगा। इसी के लिए अब इसमें युवाओं के पक्ष की बात करें, तो अब साथियों,
सरकार ने प्लान बनाया है कि 60,000 से ज्यादा, आप सोचकर अचंभित हो गए होंगे और आपकी सोच भी सही होगी कि सर अभी तो ग्रुप सी की ये भर्तियां ही पूरी नहीं हुई, ग्रुप डी वाली भी अभी अधूरी ही हम कह सकते हैं क्योंकि सारे पदों का रिजल्ट तो ग्रुप डी का भी जारी नहीं हुआ है, तो कहां नई भर्ती की आप चर्चा कर रहे हैं। साथियों, पिछले कई दिनों से भर्तियों का प्रोसेस रुका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने लगा तो कितनी फास्टली एग्जाम हुए हैं और फरवरी में महीने में क्या क्या हुआ है आपने देखा होगा, तो होने को कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि चेयरमैन साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि जून महीने में सीईटी यानी कि अगले सीईटी का एग्जाम लिया जाएगा, जून में नहीं तो साथी जुलाई में ले लिया जाएगा, लेकिन उस सीईटी में, क्योंकि हम काफी दिनों से भर्तियों को फॉलो कर रहे हैं साथियों, और स्टेट की कहीं ना कहीं हरियाणा में ऐसा जरूर होता है क्योंकि एग्जाम डेट फिक्स नहीं होती, कोई भी भर्ती आती है तो उसके एग्जाम का इंतजार करते करते युवा थक जाता है, या फिर युवाओं को पता ही नहीं चलता कि कब एग्जाम होगा, वो सोचते हैं अभी भी नहीं होगा, पता नहीं सरकार कब एग्जाम करवाएगी, और वो तैयारी करते नहीं है। जो साइलेंट रह के तैयारी करते हैं वो रिजल्ट वाले दिन शोर मचाते हैं, उनकी कामयाबी शोर मचाती है, लेकिन जो पहले करते रहते हैं एग्जाम कब होगा क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये भर्तियों का प्रोसेस है, उनका रिजल्ट में भी फिर साथियों यही हाल रहता है। अब सभी सीईटी क्वालिफाई वाले साथियों के लिए जरूरी हमने क्यों बताया है कि किसी साथी के 55 नंबर हैं, किसी के 60 नंबर हैं, किसी के 65 नंबर हैं, और हो सकता है कोई 50 वाला भी है, लेकिन जो 55, 60, 65, 70 आपने नंबर लिए हैं और सिलेक्शन तो आपका नहीं हुआ, क्या 70 नंबर लेने वाला तैयारी नहीं कर रहा था, तैयारी तो कर रहा था, लेकिन उसकी तैयारी उसे सिलेक्शन नहीं दिला पाई। अब उसने 70 नंबर की तैयारी तो कर ली, लेकिन अगर वो अब तैयारी छोड़ता है तो उसका पीछे किया गया जो 70 नंबर का कार्य है, यानी कि इतने तक तो वो पहुंच गया है लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। और साथियों, वो किसी ने बखूबी कहा है कि जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो उस रास्ते के बीच में जाकर अगर वापस लौटना चाहोगे तो वापस जब तक पहुंचेगे इतना अगर आप आगे चल लेते तो हो सकता है आपको मंजिल ही मिल जाती, बीच रास्ते से वापस लौटोगे तो भी उतना ही चलना पड़ेगा और मंजिल भी नहीं मिलेगी आपको। साथियों, ज्यादा समय नहीं है, अगले तीन चार महीने आपकी लाइफ के लिए बहुत ही कामयाब रह सकते हैं, लेकिन उन 3-4 महीनों में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। हरियाणा पुलिस भर्ती 6,000 पदों पर होनी है। अब इसका एग्जाम सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले, मैं कुछ भी साथियों महीना भी नहीं बता रहे हैं अप्रैल में कब फिजिकल होगा, ये बात चेयरमैन साहब ने कही कि अप्रैल में फिजिकल हो जाएगा, लेकिन छोड़िए उन बातों को, आप खुद बताइए एक बार कि मई और जून महीने में, या आप इतना तो मानते हैं विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी होगी, सबको पता है इस बात का, लेकिन क्या आपने हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी? अब आप तैयारी शुरू कर नहीं रहे, फिर आप पिछड़ते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर आप लास्ट के महीनों में भी तैयारी करोगे और आप 2 नंबर से रह गए या 3 नंबर से रह गए तो आज की तैयारी आपको कितना फायदा दे सकती थी। ये 3 नंबर आप पीछे नहीं रहते साथियों, कट ऑफ से 3 नंबर आगे जाते हैं आप, यही तो गैप रहता है, यही तो सोच का फर्क है। अब आपके ऊपर है आप कितनी गहराई से सोचते हैं, या फिर आप एसएससी या यूट्यूबरों को कोसते रहेंगे, उससे आना जाना तो है कुछ नहीं साथियों। अब आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको फायदा तब होगा जब आपको जॉब मिलेगी, आपके घरवाले तब खुश होंगे जब आप नौकरी लग के जाओगे। आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि आपके घर में उस कमेंट से खुशी आ जाएगी, किसी यूट्यूबर को गाली देने से खुशी आ जाएगी। आपके घर में खुशी तब आएगी जब आप जॉब लगोगे
और जॉब आप तब लगोगे जब आप कड़ी मेहनत करोगे। अब साथियों ये बताइए, सीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, होना चाहिए था, हमने भी मांग रखी थी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन चार गुना में कौन साथी गए थे? चार गुना में जाने के लिए जिन साथियों ने कड़ी मेहनत की थी उन्होंने चार गुना में अपना स्थान पाया है। हो सकता है उनका तो प्रोसेस है, देखो ग्रुप सी की भर्तियां हैं, सब भर्तियां पूरी होंगी, देर सवेर आपका सिलेक्शन होगा अगर आपने एग्जाम अच्छा दिया है तो। अब ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हुए भी काफी दिन हो गए थे, लेकिन इस एग्जाम वाले दिन जिसका जो पहले तैयारी कर रहा था ना एग्जाम, उसका अच्छा हुआ है सिलेक्शन, आज तो उसी का हुआ है। अब टीजीबीटी वाले साथी प्रयासरत है रिजल्ट के लिए, वो उनकी मांग जायज है, लेकिन टीजीटी में जिस साथी ने एग्जाम अच्छा दिया आज वो मांग करने लायक तो है, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ वो कहां से मांग करेगा, यानी कि उन्होंने तैयारी की थी। तो साथियों जो भी मेरे साथी 50 प्लस नंबर अब हासिल कर चुके हैं, लोहा गर्म है, आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप तैयारियों से जुड़े हुए थे, और 3-4 महीने तैयारी करोगे तो जो आपको मिल सकती है, क्योंकि 60,000 का आंकड़ा है वो छोटा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां आने वाली है। साथियों मैं बार बार यही कह रहा था ग्रुप डी वाले साथियों को भी कि लोकसभा चुनाव से पहले भर्तियां हर हाल में कुछ पूरी होंगी। अब ग्रुप सी वाली या टीजीटी वाली नहीं हुई है तो ग्रुप डी की तो हुई है साथियों, यानी कि भर्तियां और भर्तियां टीजीटी वाली भी होंगी, सभी को पता है विधानसभा चुनाव से पहले सब भर्तियां होनी है, क्योंकि उसके बाद का वेट कौन सी सरकार करेगी। आप तो इतना मान लिया कि सरकार विधानसभा चुनाव का वेट कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो साम दाम दंड भेद सारे प्रयोग किए जाएंगे, उसके बाद किसका वेट करेगी सरकार। और ये पता है चुनाव जब आप अपनी जॉब के लिए इतनी तैयारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, सरकार नहीं करेगी, उनको भी तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी सभी को प्यारी है। साथियों राजनीतिक लोग हैं वो यूज करते हैं, किसी भी पार्टी के हो उनके बहकावे में ना आए तो अच्छा रहेगा। आप ये देखिए आपका फायदा किससे है, आपका फायदा किससे है, उसी को आप उसी हिसाब से आगे चलिए। अब आपके ऊपर है, ज्यादा तो हम नहीं कहना चाहेंगे, यही आपको बताने वाले थे। रिवाइज रिजल्ट भी आएंगे, जो 20 ग्रुप के जिनके रिजल्ट आ चुके हैं 20 ग्रुप के, उनका रिवाइज रिजल्ट भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। और नई भर्तियां साथियों कई पदों के ऊपर आएंगी, ग्रुप डी की भी नई भर्ती आएंगी, इसकी दूसरी लिस्ट कब लगेगी, पहले ग्रुप सी भर्ती पूरी होंगी उसके बाद दूसरी लिस्ट आएगी साथी, उससे पहले दूसरी लिस्ट नहीं आएगी ग्रुप डी भर्ती। लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि नया जो नेक्स्ट सीटी है, चलो ये सीटी आपका सही नहीं हुआ था, अगला सीटी तो आने वाला है। अब आपको बता दिया है कि 60,000 पद कम नहीं है साथी, 60,000 से ज्यादा हो सकते हैं, चलो मान लीजिए 30,000 पद आ गए, लेकिन अगर आपकी तैयारी होगी तो 30,000 में भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। जो कहा जाता है कि आपको एक जॉब चाहिए, तो साथियों देखिए जो 12th ग्रेजुएशन नॉर्मल पदों के ऊपर जो भर्ती आती है उनमें कंपटीशन काफी आई है, और आजकल तो आपको पता है क्योंकि 2014 से जब ये एग्जाम होना शुरू हुआ है शुरुआत में कंपटीशन इतना नहीं था, अब आगे आगे कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा। इन पैर खींचने वालों के चक्कर में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, अब आपके ऊपर आप क्या करते हैं। तो मेरी तो यही राय है आप अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी मत छोड़िएगा, आपकी तैयारी आपको सिलेक्शन दिलाएगी, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, विश्वास करिएगा। आप सरकार को कौन क्या कर रहा है, क्यों इतने राजनीतिक लोगों के चक्कर में आते हैं, राजनीतिक लोग सभी युवाओं का यूज करेंगे, और आप चुनाव नजदीक आ रहा है इसलिए ज्यादा इतने एक्टिव हो रहे हैं, बाद में कोई एक्टिव नहीं होगा। अब आपके ऊपर है, आप हो सकता है आप किसी साथी को बुरा भला लगे, हम आपको तैयारी के लिए कह रहे हैं, बाकी जिन साथियों के कट ऑफ से ज्यादा नंबर है उनका विरोध करना भी जायज है, उनकी मांग उठानी भी जायज है, क्योंकि उनका उन्होंने मेहनत की है। और लेकिन जिन साथियों के 50 नंबर है, 60 नंबर है, 65 नंबर है, उनका सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, वो विरोध में क्यों शामिल हो रहे हैं, उनको नेक्स्ट सीटी की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अगला सीटी आ रहा है, विरोध करिए, विरोध के लिए कौन मना करता है। अब आपको जैसा उचित लगे साथियों, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो लगातार आप तक पहुंचा करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर भी हम अपडेट शेयर करते रहते हैं, और बड़ा धमाका भी कुछ करने का प्लान है, वो भी जल्दी ही आपको बताएंगे कि क्या बड़ा धमाका हम करने वाले हैं।
लेकिन भर्तियों से रिलेटेड जानकारी, स्टीक और विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत